इतना बड़ा फूल, मतलब यार एक अलग ही इसकी चमक है। Hey guys, my name is Sandeep Kalchan and welcome to my channel Tishu Green Planet. So दोस्तों आज मैं आ गया हूँ ग्रीन डायमंड नर्सरी जो नोएडा में सिचुएटेड है। मेरे साथ है मनीष कुमार जी, यहाँ के ओनर है। मेरा नाम मनीष कुमार है और मेरी नर्सरी आपका नोएडा सेक्टर 128 में अवेलेबल है। आप हमारी नर्सरी में आपको विंटर फ्लावर, समर फ्लावर सभी चीज़ें मिल जाएंगी, आउटडोर इनडोर प्लांट, आप रिजनेबल प्राइस पे सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मनीष जी, लोगों को ना काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है मिट्टी की, खाद की, दवाइयों की, उसकी क्या व्यवस्था आपके पास? वो सभी चीज़ें हमारे पास मिल जाएंगी, फंगिसाइड भी मिल जाएगा, खाद भी मिल जाएगा और जितने भी गार्डन से रिलेटिव चीज़ें हैं सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आपको रिजनेबल प्राइस पे ही मिलेंगी। और चाहो तो होलसेल में भी हम डील करते हैं और रिटेल में भी डील करते हैं। और सर, आपके पास में ऑनलाइन की फैसिलिटी क्या है? क्योंकि लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, बाहर बाहर के स्टेट्स के लोग पूछते हैं, तो मुझे मेरा कंसर्न मेन ये है कि आप ऑनलाइन में कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सर, अभी फ़िलहाल तो हमारे पास ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल नहीं है और फिलहाल में हम दिल्ली NCR में ही डिलीवर करवाते हैं मैनुअली। ओके। जो कि कार्टेज आपको कस्टमर का ही होता है, उसमें कंडीशन ये होती है कि कम से कम आपकी बिलिंग 2000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपका कार्टेज उसमें एडजस्ट हो जाए, कस्टमर को लोड ना पड़े कार्टेज। अच्छा, लोड ना पड़े। सो मुझे ना एक चीज़ लगती है कि शायद हम विद इन दिल्ली NCR में मंगाते तो सस्ता पड़ता है, हम लोकल लेते हैं तो। अगर आप कहीं महाराष्ट्र या फिर कहीं और भी कोलकाता से लेते हैं तो इतना आपको कार्टेज पड़ जाएगा तो वो प्लांट्स महंगे ही पड़ जाते होंगे, तो कोई फ़ायदा मतलब कम जी उसका ऑब्वियसली कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मैनुअली आके जो आप खुद ले जाते हैं प्लांट, तो आपको कार्टेज वगैरह सब चीज़ में डिस्काउंट के अलावा सस्ता पड़ता है प्लांट। और जब आप ऑनलाइन मंगवाते हैं प्लांट को तो उसमें आपका कोरियर सर्विस का चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, दूसरा उसमें प्लांट डैमेज होने का भी दिक्कत होता है, जिससे हाँ। उसमें कोरियर में इस वजह से दिक्कत होती है। जी सर, अगर आपके चैनल की तरफ से, टिशू ग्रीन चैनल की तरफ से हमारे पास अगर कोई आता है तो उनके लिए 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा। और टोटल बिलिंग पे, और एक बार पौधा मैं गिफ्ट भी दूंगा अगर आप चाहते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो विंटर के मुझे फ्लावर्स दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दिख रही है। अब अगर मैं बात करूं तो जो जितने भी जो थैली में लगे हुए हैं इन सबका रेट है ₹20 शुरू है, और जो गमले में है, छोटे गमले 6-7 इंच के हैं, ये ₹40 से शुरू है। तो पेटूनिया भी है, वर्बीना है, डियनथस दिख रहा है मुझे, मैरीगोल्ड दिख रहे हैं, जरबेरा दिख रहा है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल। सो दोस्तों, पाम ट्री में ऑप्शंस देखिए, 100 रुपये से स्टार्ट है, 150 रुपये है, 250 रुपये है, 350 रुपये है। अगर मैं 350 वाले की बात करूँ तो तकरीबन 6-7 फीट का है, और इनकी क्वालिटी भी देखिए, देखते ही बनती है। 100-150 रुपये में नोएडा में इतने अच्छे प्लांट्स मिलने मुश्किल काम है, मुझे तो आज तक नहीं दिखा है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत है। अगर आप डेलिया देखते हैं, इतना बड़ा फूल, मतलब यार एक अलग ही इसकी चमक है। 70 रुपीज़ में आपको ये इतने बड़े बड़े पौधे मिल रहे हैं। और अभी मेरी जो मनीष से बात हुई है तो अभी इनके पास में नया लॉट आने वाला है, आई थिंक 2-3 दिन में नई गाड़ी आ जाने वाली है, तो और फिर बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए क्वालिटी 70 रुपये में अमेजिंग है यार, मतलब इतना बड़ा फूल शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा, जिसकी जो क्वालिटी है एक अलग लेवल की है। काफ़ी लोगों की ना रिक्वेस्ट रहती है कि ऐसे पौधे बताइए जो हमेशा चलते रहे, हमेशा फूल आते रहे पूरे पूरे साल। तो जो मेरा एक वन ऑफ फेवरेट है वो है हिबिस्कस। अब हिबिस्कस जो ग्रीन डायमंड नर्सरी में है वो 50 रुपये से शुरू, जो थैली में है 100 रुपये है। अब अगर मैं इधर बात करूँ जिनमें ऑलरेडी फूल आ रखे हैं और पॉट में लगे हुए हैं, ये 100 रुपीज़ के हैं, 130 रुपीज़ के हैं, 200 रुपीज़ और 250 रुपये तक की इसकी रेंज चली जाती है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और दोस्तों काफ़ी मेडिसिन में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, और फूल जो होते हैं इसके पूरे साल आते रहते हैं। सो मनीष जी, ये छोटे जो स्नेक प्लांट्स हैं ये कितने के हैं? ये कैंपस इम्पोर्टेंस नहीं, लोटस स्नेक प्लांट है, आपको 150 की रेंज में मिल जाएगा आपको। अच्छा। और अपने पास चाइनीज स्नेक प्लांट की 4-5 वैरायटीज मिल जाएंगी, okay. जो कि थोड़े कॉस्टली हैं, वो आपको 400 के रेंज में मिलेंगी। 400 और छोटा भी मिल जाएगा 150 की रेंज में। और सर, ये जो रबर प्लांट है इसका क्या रेट है? सर, इसमें अपने पास रबर प्लांट में 4 वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, जो कि छोटे साइज के बड़े साइज में भी हैं। स्टार्टेड आपको 150 से 350 तक की रेंज में अलग अलग वैरायटी। अच्छा जी सर, ये फिडल लीफ पिक जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, इसका क्या रेट है यहाँ पर? सर,
एक्चुअली अपने पास 250 की रेंज में स्टार्ट है और ये काफ़ी हाई डिमांड में प्लांट करता है क्योंकि ऑक्सीजन प्योरीफाई इंदौर में बढ़िया चलता है। अच्छा, बहुत चलता है। तो ये अगर धूप कम भी हो तो चलेगा, मतलब अगर आप बैल्कनी में जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट नहीं आती, इंडोर रख सकते हैं और इनडायरेक्ट सनलाइट भी रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में पौधा नहीं सर्वाइव करता है, इंडोर एंड इनडायरेक्ट सनलाइट में बढ़िया चलता है और लो मेंटेनेंस पौधा है। ओके, अच्छा चलता है। वाटरिंग आपको विद इन वन वीक 2-3 times डालना है कभी। अच्छा, ओके। तो बनी जी, ये पौधा बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कुछ अलग एग्जॉटिक प्लांट है, कुछ बताइए इसके बारे में सर। सर ये इसे कहते हैं ड्रायसिना कॉम्पैक्टा। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, परमानेंट ग्रीन रहता है, इंडोर चलता है आपका और इसमें वाटरिंग आपकी विद इन वन वीक एक बार देना है। जी, हाँ जी। तो ये तो नहीं कि विंटर्स में इसको कोई प्रॉब्लम होती है, ये परमानेंट प्लांट है, इंडोर में चलता है आपका, सेमी शेड में भी काफी अच्छा चलता है। अच्छा जी। और सर ये गोल्डन साइप्रस है। गोल्डन साइप्रस, अच्छा, ये आपका 2-3 साइज में अपने पास अवेलेबल है। ये 100 रुपए का है, इससे बड़ा साइज 150 का है और एक 450 का भी है हमारे पास। अच्छा, ओके ओके। और अभी आप देख रहे हैं सन ऑफ इंडिया। हाँ, इसमें आपका सॉन्ग ऑफ इंडिया में क्या है सर, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया कितने का है? सॉन्ग ऑफ इंडिया सर अपने पास 50 रुपए से स्टार्ट है जो कि 150 तक की रेंज में है। अच्छा, ओके, अच्छी क्वालिटी का बढ़िया पौधा मिलेगा। तो भैया, ये एग्लोनिमा की जो वैरायटी है इसका क्या प्राइस है और क्या केयरिंग टिप्स दोगे आप? सर अपने पास एग्लोनिमा की कम से कम 6 से 7 वैरायटियाँ अवेलेबल हैं मेरे पास, और जो रेयर वैरायटियाँ हैं जो हर नसीब में आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, हमारे पास आपको अच्छी क्वालिटी में बढ़िया रेंज में मिल जाएगा। जो कि ये आप देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं एग्लोनिमा स्नो वाइट। अच्छा, हाँ, भी कहते हैं इसे। ओके, ये अपने पास स्टार्टिंग प्राइस जो है मेरे पास 150 से है और 250 तक की रेंज में है, और अपने पास लिपस्टिक भी मिल जाएगा जो कि टारगेट में है, वो सर आपका 250 का है। अच्छा, ओके। उसके अलावा मेरे पास अभी आपको दिखाएंगे जो कि 450 रुपये की रेंज में भी जो एग्लोनिमा की वैरायटियाँ हैं वो भी आपको भी मिल जाएंगी, जिसमें कर्ली लीफ है, डार्क रेड में जो आपका एग्लोनिमा की होती है वो भी अपने पास 6 से 7 वैरायटियाँ अपने पास अवेलेबल है, और जो नॉर्मल एग्लोनिमा है वो भी मिल जाएगा, जिसे आप जंगल पैरेट हो गया, डब हो गया, ये सारी कलकत्ता की वैरायटियाँ हैं, ये भी वैरायटियाँ मिल जाएंगी। जी, ये ड्रायसिना की कौन सी वैरायटी और क्या रेट है इसका? ये ड्रायसिना मैसेंजर भी है और ग्रीन भी है, जो कि 50 रुपीज में है। ओके, और ये वाला? ये आपका जनाटू देख रहे हैं। जनाटू जी, इसमें आपका सर 160 रुपये का है। ओके, एंड सॉन्ग ऑफ इंडिया हमने कवर कर लिया, आपने देख रखा है, काफ़ी अच्छा पौधा है। और ये आपका क्रोटन है, जो क्रोटन पेट्रा है, इसकी खासियत ये है कि सर्दियों में भी पत्ते नहीं गिरता और गर्मियों में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है अपने दिल्ली के क्लाइमेट में, और देखने में बहुत सुंदर लगता है इसकी पत्ती। इसके पास 2-3 साइज में अवेलेबल है, ये आपका 100 रुपये का है और बड़ा साइज इसका 150 का और 250 का, 2-3 साइज में से। सो ये जो ड्रायसिना की अलग अलग वैरायटी दिखी, मुझे 3 वैरायटी अलग दिख रही हैं, ये 180 रुपीज से इनके प्लांट शुरू हो जाते हैं, जो कि पूना, बहुत ही अलग प्लांट है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूना की वैरायटी है। तो देखिए कितनी खूबसूरत इसके लीव्स हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। प्लांट देख रहे हैं कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, देखने में हाइट अच्छी है। तो जो ये मनी प्लांट नॉर्मल वाला है, इसका रेट है 200, और आप अगर नेक्स्ट देखते हैं तो गोल्डन वाला है, इसका रेट है यहाँ पर 200, अच्छा रेट है। और एक ये मनी प्लांट की एक अलग वैरायटी है, जो जिसके लीव्स बिल्कुल अलग होती है, हर्ट शेप की होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीपोडियम, इसका रेट है यहाँ पर 250 रुपीज़। सो ये भी बहुत अच्छे से खिले हुए हैं, इसका नाम है सेफलेरा। तो देखिए मोस्टिक्स में लगा हुआ है, आई थिंक 3 से 4 फीट की इसमें मोस्टिक है, और इसका रेट भी यहाँ पर 250 रुपीज़ है। न्यू लीव्स काफ़ी आ रही हैं, देखिए। तो विंटर्स का कोई इससे लेना देना नहीं है कि विंटर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, देखिए। अब मेरी नज़र एक पड़ी है एक बहुत बेहद खूबसूरत पौधे पर, इंडोर प्लांट ही है, अल्पेनिया इसका नाम है, और इसका रेट है तकरीबन 300-350 रुपये, लेकिन मैंने भैया को बोला तो बोल रहे हैं कि शायद अगर आपके चैनल के थ्रू कोई आता है तो हम 250 रुपये भी में 250 रुपये भी लगा देंगे इसका, तो वर्थ है 250 रुपये इस पौधे का लेना बनता है। इंडोर प्लांट है, आप 8-9 इंच 10 इंच 15 इंच के गमले में लगाइए, कितना अच्छे से लगेगा आपके आपकी बैल्कनी में, आपके घर में रखे हुए, इंडोर रखे हुए। तो दोस्तों ये है रेफिस फार्म, इसका जो रेट है यहाँ पर 250 रुपये से लेकर 650 रुपये तक का है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं, और हाइट की बात करूं तो 3-4 फीट से शुरू होकर 6 फीट तक दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो एक पौधा आपके घर में लगा हुआ अच्छा लगेगा, तो आप ले सकते हैं। सो केन पाम जो है
बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ में है। इसका रेट है यहाँ पर 100 रुपये से लेकर 350 रुपये, 4 अलग अलग हाइट्स में अवेलेबल है। तो 100 रुपये तो केन पाम का मिलना एक नामुमकिन सी बात है, तो बनता है यार ये वाला एक पौधा, बेहद खूबसूरत लग रहा है मुझे तो देखने में। क्रिसमस ट्री काफ़ी लोगों की पसंद है, आप अगर देखें तो हेल्दी प्लांट है, खूबसूरत लग रहा है। ये जो छोटे थैली में लगे हुए हैं ये 250 रुपये के हैं, और जो बड़े पॉलीबैग्स में हैं तकरीबन 8 से 9 इंच की थैलीज में लगे हुए हैं, ये 450 रुपये का है। तो अच्छी प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। तो मनीष भैया, मुझे फ्रूट्स में बहुत सारी ऑप्शंस दिख रही थी, तो आप बताइए कि क्या खासियत है और क्या कहाँ कितने रेंज से शुरू है आपका सर, फ्रूट्स में कौन कौन से अवेलेबिलिटीज है? सर अपने पास फ्रूट में लमसम में सभी वरायटियाँ अवेलेबल हैं। चीकू है देखिए जो कि ग्राफ्टेड है, जितने भी वरायटियाँ हैं सारी ग्राफ्टेड है। चीकू मिल जाएगा आपको 200 से रेंज से 500 तक के रेंज में। अच्छा, और जो कि चेरी देख रहे हैं, चेरी अब गर्मियों में फ्रूटिंग करता है अपने आप बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये आपका 350 का है। आम की भी वरायटियाँ अपने पास, आम में आपको 2-3 वरायटियाँ हैं, थाई भी है और अम्रपाली है, बहुत सारी वरायटियाँ हैं जो कि आपके 250 से स्टार्ट है। ओके, और काफ़ी अच्छी मतलब लेंथ भी दिख रही है और क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है। जी, इसमें साइज़ के अकॉर्डिंग आपका रेट है सर। और अमरूद मिल जाएगा, एप्पल क्रॉस जो कि वो भी बहुत अच्छी वरायटी है। छोटे में जितने भी फल हैं, फल के पौधे हैं, सारे छोटे हेड में 2 से 2.5 फीट में ही फ्रूटिंग करते हैं। अच्छा जी, और अमरूद भी आपको बहुत अच्छे वरायटी का मिल जाएगा। तो अपने जो ये जो डेली नोएडा की जो क्लाइमेट है इनमें चल जाते हैं गर्मी में? जी, यहाँ अपने पास वही फ्रूट रख रखे हैं हमने जो कि यहाँ की क्लाइमेट में सक्सेसफुल चलते हैं और फ्रूटिंग अच्छी करते हैं। एप्पल वगैरह जो होते हैं? एप्पल वगैरह सर देखो लोग बेवकूफ़ बनाने वाली बड़ी बातें करते हैं कि एप्पल जो चीज़ कश्मीर में हो रही है वो दिल्ली की क्लाइमेट में कहाँ नहीं हो सकता। जी, और अपने पास नींबू भी कागदी मिल जाएगा जो कि 1 से 1.5 फीट में ही है। और क्या प्राइस है? 150 से स्टार्ट है सर, उसमें भी फ्रूटिंग इसी टाइम पे, अब देखो फूल आ रहा है उसमें। ओके, वो भी 150 का है, ग्राफ्टेड ही है वो। अच्छा जी, सो अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारे सेरेमिक की ऑप्शंस दिख रही है मुझे, मिट्टी दिख रही है, कंपोस्ट दिख रही है, कोकोपीट दिख रही है। 5 किलो की कोकोपीट का ये एक ब्रिक है, अगर तकरीबन मैं इसकी बात करूँ तो ये है 250 रुपीज़ का, और इसका प्रिंट है यहाँ पे 400 रुपये। तो अच्छा लग रहा है मतलब देखने में। और ये सॉयल है, कंपोस्ट अवेलेबल है, और फाइबर की कलेक्शन बहुत सारी हैं, प्लास्टिक में पॉट्स हैं। तो अगर आप एक बार आते हैं ना तो आप आई थिंक एक बार में ही सारा सामान ले जाएंगे, आपको बार बार कहीं अलग अलग जाने की जरूरत नहीं। आप पॉट्स यहाँ से ले रहे हैं, वो कहीं से ले रहे हैं, एक ही जगह से आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो ग्रीन डायमंड नर्सरी में आपको एक बार आना है और आपको आराम से हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, और मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। तो आप भी आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप टीशू ग्रीन प्लांट के थ्रू आते हैं तो भैया ने अपने मुँह से खुद बोला है कि आपको 10% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, आपको 1-2 पौधे वो आपको अपनी तरफ से भी दे देंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।